राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, क्योंकि दर्पण मिरर की निगमन करना है, प्रूफ करना है कि दर्पण जो होता है, दर्पण सूत्र जो है मिरर का, तो मिरर में जो दर्पण सूत्र है 1/F = 1/V + 1/U, तो उसमें एक चीज़ टॉपिक आती है और समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी होती है कि समरूप त्रिभुज का है। यदि हम समरूप त्रिभुज की क्लियर डिफिनेशन जानते हैं तो दर्पण सूत्र को प्राप्त करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इस वजह से समरूप त्रिभुज के बारे में पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि समरूप त्रिभुज क्या है, इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद जानने के बाद हम सब अवतल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का प्रतिस्थापित करेंगे, दर्पण सूत्र की जानकारी रखेंगे, सिद्ध करेंगे कि दर्पण सूत्र जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है। इसके चलते ही मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने राजीव स्कूलिंग चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए, अपलोड होते ही। देखिए, सिमिलर त्रिभुज ट्रिंगल क्या होता है? सिमिलर ट्रिंगल में होता है कि समरूप त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका रूप तो सकल जो होता है सिमिलर होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रिंगल है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी है, और सेम इसी टाइप का एक ट्रिंगल दूसरा बना लेते हैं जिसको नेम रख देते हैं डी ई एफ, इसका नाम हम अपना डी ई एफ रखते हैं। तो इसके साथ देखिए, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट एक होता है कि यदि किसी दो त्रिभुजों के कोण बराबर हो, यानी कोण क्या होता है, इक्वल होता है, यानी ये कोण 60 डिग्री और यह कोण भी हमारा हो जाता है यदि 60 डिग्री, और ये भी कोण होता है 60 डिग्री, या अनदर कोण के हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 60 60 करने तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि कोण इक्वल ही क्यों होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिभुज जितने भी हमारे दो त्रिभुज हैं, अगर दोनों त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी त्रिभुज हमारा है इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम है बी सी, और इसी प्रकार के दूसरी त्रिभुज हम बनाते हैं, इसका नाम होता है डी ई एफ। संगत कोण फर्स्ट कंडीशन ये करता है, यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। संगत कोण क्या होता है कि यदि कोण ए कोण डी के बराबर हो, यदि कोण ए कोण डी के बराबर हो, और कोण बी जो हो कोण ई के बराबर हो, और कोण सी जो है एंगल जो सी है वो हमारा एंगल एफ के इक्वल हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं कि सिमिलर ट्रिंगल है, यानी समरूप त्रिभुज है। क्या कहेंगे कि सिमिलर ट्रिंगल है यानी समरूप त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण एक दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो, यानी एक कोण दूसरे कोण के समान बराबर हो, तो इस प्रकार के कोण त्रिभुज को क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। यानी कह सकते हैं कि अगर यह कोण हमारा मान लेते हैं 60 डिग्री के हो गया, और ए एंगल हमारा 60 होगा तो ए भी एंगल हमारा 60 होनी चाहिए, ए 75 रख देते हैं, ए 75 हो गया। अब देखिए 60 75 कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 हो गया, हाँ 67 का होता है 35 हो गया, और प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री होनी चाहिए, 180 डिग्री में से माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो गया, और 7 में से 3 गया 4 हो गया। यानी 45 डिग्री, यह कोण हमारा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री का हो, और ये भी कोण हमारा 45 डिग्री का हो। तो देखिए, कोण ए कोण डी के इक्वल हो, कोण बी कोण ई के इक्वल हो, कोण सी कोण एफ के इक्वल हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज। क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। यानी लिख सकते हैं कंडीशन फर्स्ट के अनुसार, यानी कोण ए एंगल ए इक्वल एंगल डी एंगल बी इक्वल होनी चाहिए एंगल ई का, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ का, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज या सिमिलर त्रिभुज कहेंगे। देखिए इक्वल होता है तो यह कंडीशन होता है, एक कोई जरूरी नहीं है, अगर हमारा मान लेते हैं ये अगर
A45 रख देते हैं, A60 रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी कोण हमारा अगर A45 होते, A45 है और A60 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है। यानी समरूप त्रिभुज वह होता है जिनके में दो त्रिभुजों के कोण जो होते हैं आपस में बराबर हों, तो उस प्रकार के त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। सेकेंड कंडीशन में आते हैं, ये हमारा था कोण कोण, ये लिखा होता है एंगल एंगल एंगल। यानी किसी दो त्रिभुज के यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हों तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। उसी प्रकार आते हैं साइड साइड साइड, यानी किसी त्रिभुज के साइड जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं, यानी समान अनुपात में साइड होते हैं, तो वह भी त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। साइड 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 से क्या होते हैं, समानुपाती होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं यह साइड की लेंथ है हमारा 4, इस त्रिभुज की लेंथ है हमारा 8 साइड का, इसकी मान लेते हैं हमारा 9 हो गया, इसकी हमारा 3 हो गया, नहीं नहीं 4 हो गया और ये 8 हो गया। अगर ये हमारा 9 होते हैं ये 18 हो गए, अगर ये हमारा 3 होता है ये हमारा 6 होता है, तो इनके संगत भुजाएं जो होते हैं वो समानुपाती होगा तो भी वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। यानी कह सकते हैं ए बी अनुपात डी ई, इसी प्रकार बी सी अनुपात ई एफ, इसी प्रकार सिमिलर जो होगा ए सी रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, डी एफ। अब सबका वैल्यू रखते हैं, ए बी का वैल्यू हमारा है 4 और डी ई की वैल्यू है 8, बी सी की वैल्यू 9 आती है, ई एफ की वैल्यू 18 होती है, ए सी की वैल्यू 3 है और डी ई एफ का वैल्यू क्या उतना है, 6 है। अब देखिए 4 2 जाए 8, 9 2 जाए 18, 3 2 जाए 6, यानी 1:2 यानी इन दो सभी त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं हैं आपस में क्या है, इक्वल है, हाफ 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 हाफ। यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं, यह कि त्रिभुज के जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं जो होता है वो समान अनुपातिक हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं, समरूप त्रिभुज को। अब थर्ड कंडीशन में आते हैं, क्या लिखा है, एस ए एस, एस एस मतलब कि साइड एंगल साइड। तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होंगे। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक एंगल इक्वल हो, यदि कोई त्रिभुज दिख रहा है, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों में अगर कोई एंगल जो होता है इक्वल होते हैं और उस एंगल को बनाने वाली जो साइड हो वह अगर समानुपातिक हो तो उस प्रकार के त्रिभुज को समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। देखिए यह त्रिभुज हमारा एक तैयार हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। आई सी के सिमिलर एक त्रिभुज और हम बनाते हैं, इसका नेम हम रख देते हैं डी ई और एफ। सपोज दैट यह ट्रायंगल का जो हो गया ये 60 डिग्री रख दो गया और ए भी हमारा होता है 60 डिग्री में और 60 डिग्री के बनाने वाली जो भुजाएं हैं ये मान लेते हैं 2 है और ये हमारा 4 हो गया, यह 4 है यह हमारा 8 हो गया। तो साइड ए साइड में क्या कहता है, यदि किसी दो त्रिभुजों के कोण कोण के बराबर हों और साइड साइड के समानुपातिक हों तो उस प्रकार का त्रिभुज भी क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। जैसे एंगल इसमें क्या है, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के यानी 60 डिग्री और एंगल सी को बनाने वाली जो साइड है बी सी समानुपातिक है ई एफ के
और एसी समानुपाती है डीएफ के। अब देखते हैं बीसी का वैल्यू रखते हैं, से बीसी का वैल्यू कितना है 2, ईएफ का वैल्यू है 4, एसी का वैल्यू कितना आता है 4 और डीएफ का वैल्यू होता है 8, यानी 1/2 यानी क्या आता है 1/2 रेशियो 1/2। इसमें हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज के एक एंगल आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, और उस एंगल को बनाने वाली जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में यानी समान रेशियो में है। इस प्रकार के त्रिभुज भी क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। इस प्रकार का त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। देखने में भी इसको क्या होता है, सिमिलर लग रहा है ना, इस वजह से इसको सिमिलर ट्रिंगल भी कहते हैं। समरूप त्रिभुज की अगर डिफिनीशन लिखना हो तो क्या होता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, इक्वल हो, संगत भुजाएं समानुपातिक हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रिंगल। क्या बोलेंगे, यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपातिक हो, तो उस प्रकार के ट्रिंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रिंगल है। इसका बताने का उद्देश्य यह था कि हमें दर्पण सूत्र का निगमन करना था, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u का, और इस निगमन में समरूप त्रिभुज